सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, वेलकम टू इनशॉट गाइस। सो दोस्तों, जिस चीज़ का डर था उसी चीज़ की अनाउंसमेंट हुई है। बहुत ही घटिया, एक तरह से ये बोलो कि बहुत ही गिरी हुई और बहुत ही बकवास न्यूज़ है। बहुत लाखों होप्स को एक तरह से वैनिश करने वाली ये एक न्यूज़ है। और रियली ये कुछ ऐसा नहीं था कि इनसे उम्मीद नहीं कर सकते थे। इनका घटियापन पहले भी देख चुके हैं और ये घटियापन उसका भी लेवल क्रॉस कर रहा है। और जो न्यूज़ है वो आपके सामने है, ऑस्ट्रेलिया की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये न्यूज़ डाली है। और ज़्यादा एक्सप्लेन क्या करना है, आप सब लोगों को पहले से पता चल गया होगा, नहीं तो आप इस न्यूज़ को और पढ़ सकते हैं। कुल मिला के ये है कि 15 दिसंबर तक आप सब लोग जो जाने वाले थे वो एक तरह से होल्ड हो गए हैं। सारे के सारे इन्होंने वीज़ा जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, टेम्परेरी रेजिडेंस वाले, इवन जापान और कोरिया का जो इन्होंने ग्रीन कॉरिडोर बनाया था वो भी होल्ड कर दिया। और बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग न्यूज़ है और मैं समझ सकता हूँ कि अभी क्या होगा और कितना कितना बुरा इम्प्रेशन और कितना मेंटली एक तरह से प्रेशराइज होने वाले हैं सब स्टूडेंट्स और बाकी लोग भी। सो अभी करना क्या है, न्यूज़ तो बता दी आपको, सिर्फ ये बता के तो चला नहीं जाऊँगा। तो एज़ यूजुअल और एज़ मैं हर बार एक चीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके साथ अभी आपको क्या करना है। तो सबसे पहले 15 दिसंबर से पहले वाले जो लोग हैं जिन्होंने टिकट करवा रखी है, निकाल रखी है, अगर आप चेंज कर सकते हो तो अपनी टिकट्स की डेट चेंज करवाइए। कब की करवानी है कोशिश करिए, थोड़ी देर बाद की रखिए, 30 की रखिए, 28 की रखिए, नए साल की रखिए। लेकिन 15 से पहले वाले जिनकी टिकट कैंसिल नहीं हो सकती, चेंज नहीं हो सकते, तो उनको तो क्या वेट करना पड़ेगा, मे बी एयरलाइंस रिफंड के ऊपर बात करें। लेकिन हड़बड़ाहट में आके आप ये मत करिए कि हाँ भी टिकट कैंसिल करवा के नहीं निकालेंगे। नहीं निकालोगे तो बहुत ज़्यादा पैसे लग सकते हैं, डबल डबल आपके चार्जेस हो सकते हैं। तो कोशिश करिए एयरलाइंस के साथ टच करके, उनके साथ कनेक्ट करके कि इसकी डेट चेंज करवाइए, बेटर वही है। और इसके अलावा बाकी अपने प्लान के साथ आप स्टिक रहिए। एक अच्छी चीज़ जो दिख रही है इनकी स्टेटमेंट में वो ये है कि इन्होंने पॉज किया है, इन्होंने होल्ड किया है, इन्होंने सस्पेंड नहीं किया कि नहीं हम बुलाएंगे नहीं या हम करेंगे नहीं। उम्मीद तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कहते हैं ना कि एक बुराई में भी थोड़ी सी अच्छाई नज़र आनी आती है या आनी चाहिए। सो ऐसा है, वो मेरे को एक दिख रहा है कि शायद 12 या 13 दिसंबर को, आई विश, तब तक ये ग्लोबल का जो इन्होंने पचड़ा बना रखा है, जो इन्होंने आपस में लॉबी करके फार्मा कंपनी ने ये कर रखा है कि भाई इस वायरस के कारण ही लोग मरेंगे, उससे पहले नहीं मरे थे या आगे नहीं मरेंगे, तो वो इनको समझ आएगी और थोड़ा बहुत इनको अकल आए और ये न्यूज़ थोड़ी शांत हो जाए, रिज़ल्ट अच्छे निकले वैक्सीनेशन के। तो आई विश 12-13 तक कुछ ना कुछ ये लोग वापस इन्फॉर्म करेंगे कि आप आ सकते हो इस डेट से या उस डेट से, एक्स वाई जेड। सो जब तक पहुँच ना जाओ, ऑस्ट्रेलिया की लैंड को टच ना कर पाओ, तब तक आप वेट करिए नई अपडेट की, नई न्यूज़ की। सो बी पॉजिटिव, यही बोलूँगा आपको, एंड गेट इन टच। बाकी न्यूज़ तो बहुत ख़राब है, कुछ और अपडेट आता है तो मैं डेफिनेटली शेयर करता हूँ। थैंक यू सो मच।